हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम शो, स्वागत है आप ही के चैनल में, जैमी गेमर नामक चैनल में। पहली बात तो गाइस, दिल से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अब तक के सपोर्ट का। आपका हर एक लाइक, हर एक आपका कमेंट, जो भी है, नेगेटिव हो कुछ भी हो, वो मेरे लिए बहुत तहे दिल शुक्रिया करता हूँ उस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलते हो, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कि आपको ये और करना चाहिए, तो वो हम उसको एक तरह से उससे सीखते हैं कि हम क्या चेंजेस कर पाएं। एंड गाइस, होप सो कि अपनी फैमिली 5K के काफ़ी नियर है, तो ऐसी हमारी टीम आपको कुछ गेमिंग रिगार्डिंग न्यूज़ या जो भी अभी आपको पता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, पबजी इज इक्वल टू बैन या अनबैन, या पबजी अकाउंट आईडी जो होता है अपना बैन या अनबैन, 10 साल का बैन अपडेट करने के बाद कि नहीं। तो गाइस, मैं आपको जो भी आपसे आज बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, जो मैंने आपको टिप्स ट्रिक प्रोवाइड करी थी कि आप अपडेट कैसे कर सकते हैं बिना बैन के, क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊँ, इंडिया में अप्रॉक्स 3 करोड़ यूजर्स हैं पबजी प्लेयर के, 3 करोड़ बंदे हैं, समझ रहे हो? तो क्या सबका अकाउंट बैन हो गया जिन्होंने अपडेट किया? करोड़ों ने, लखों ने अपडेट कर लिया है ना। कुछ लोगों का बैन हुआ है 10 साल का, जिसमें शो हो रहा है कि वायलेंस के कारण उनका बैन हुआ है। अब गाइस, आपको भी पता है कि अगर अपन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, अब मैं बात करूं सीजन 2 की, सीजन 1 की, सीजन 4 की, सीजन 5 की, अगर अपन तब भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कुछ यूसी या कुछ ऐसे कुछ काम करते थे, तब भी तो बैन होता था ना। तो ये कोई नया बैन नहीं है, नया वॉल्यूशन नहीं है थर्ड पार्टी का। अब गाइस, बेस्ट तरीका क्या है, सेफ तरीका क्या है, जिससे आपका अकाउंट भी सेफ रहे? अब कल को कोई भी वीडियो प्रोवाइड कर दे यूट्यूब में एंड लिंक प्रोवाइड कर दे, या आपको कोई आपका फ्रेंड टेलीग्राम के थ्रू कोई लिंक प्रोवाइड कर दे, तो उसमें लिखा रहे कि आप उस पर क्लिक करिए, देन आपका एक अपडेट हो जाएगा या लिंक मिल जाएगी आपको। तो गाइस, ये सब चीज़ें आपकी प्राइवेसी आप शेयर कर रहे हो, वो करना बेकार है। मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट करने के 2 ही तरीके हैं अब तक के लिए इंडिया यूजर के लिए। पहला, VPN, VPN से अपडेट नहीं करना है, VPN का सिर्फ यूज करना है आपके प्ले स्टोर अकाउंट के लिए। वो अभी मैं आपको डेमो दूंगा प्ले स्टोर अकाउंट के लिए कैसे क्या करना है, कि आपको प्ले स्टोर से ही पबजी को अपडेट करना है, या फिर सेकंड जो बेस्ट वे है, दोनों ही बेस्ट है, सेकंड है जो अभी पबजी ऑफिशियल में एक APK उन्होंने लॉन्च किया है, वहां से भी आप अपडेट कर सकते हो। तो गाइस, प्ले स्टोर और पबजी ऑफिशियल के अलावा आप किसी अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करोगे अपडेट करने के लिए, तो डेफिनेटली बैन मिलेगा 10 साल का आपको। तो गाइस, ये रिस्क मत लो, है ना। पहली बात तो मैंने आपको जो बेस्ट वे बताया, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप आराम से चेक करना। उसमें VPN को सिर्फ यूज किया गया कि अपने प्ले स्टोर के अकाउंट को अदर कंट्री का अकाउंट पे यूज करने के लिए, वो मेरा भी चल रहा है, जैसा कि आपको ये सामने मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको चीज़ बता दूंगा। सेकंड, जो सर सबसे बढ़िया ही दिक्कत चल रही है कि पबजी अनबैन, तो गाइस ये 100% हो चुका है श्योर कि पबजी अनबैन होगा, और पबजी का काफ़ी बड़ा ऑफिस इंडिया में भी बनने वाला है, ये चीज़ भी अभी आज तक में आ चुकी है। एंड सेकंड, सबसे मेन चीज़ ये गाइस कि आप लोगों, आपको पता है कि एकदम से टेंसेंट को अगर हटाया है जो इंडिया में, इस पर्टिकुलर इंडिया रीजन में, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ऑफिशियली अपने जो इंडियन प्ले स्टोर का जो होता है उसमें पबजी मोबाइल को आने में। तो ऐसा नहीं है कि आप भी जो पबजी खेल रहा है तो वो मतलब उसका बैन हो जाएगा अकाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस प्लीज़ फोकस यही करिए, तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ मत करना, है ना। एंड मैंने जो नीचे आपको लिंक प्रोवाइड किया उसमें एंड्रॉयड यूज़र कैसे अपने चेंज कर सकते हैं, वो आप उस वीडियो को प्रॉपर पूरे 5 मिनट के वीडियो को पूरा देखना, क्या स्ट्रैप किया हुआ, लाइव डेमो प्रोवाइड किया, और ये मेरा न्यू ही अपडेट है, और जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं 2 दिन पहले ही मैंने अपडेट करा, इवन मैंने नहीं, मेरे जितने भी पबजी फ्रेंड्स हैं बहुत हैं, तो उन लोगों ने भी अपडेट करा, प्रॉपर वे में खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को बैन आया, बैन 1-2 को आया है, वो उन्होंने अपना अलग ही थोड़ा अलग ही दिमाग लगाया था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि प्ले स्टोर में कैसे आपके पबजी शो होगा। चलिए गाइस, ये मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन, मैं चलता हूँ पहले गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है, थोड़ा ब्राइट से बढ़ा देता हूँ। चलिए देखिए, ये मैं गया आपके सामने गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ मैं पहले सर्च करूँगा पबजी है भी कि नहीं है मेरे, तो आप देखिए मैं लिखता हूँ सिर्फ पबजी, वो गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट है गाइस मेरा, ये सामने आपको पबजी दिख रहा है, यहाँ पर मैंने अपडेट किया है, अभी ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आपको मेन चीज़ चेंज क्या करना है,
वो ये है, अकाउंट देख रहे हो, अकाउंट में मैंने क्लिक किया तो नाम मेरा आ रहा वैभव जम्वाल एंड अकाउंट में क्या आ रहा है यूनाइटेड स्टेट। तो ये यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट बनाने के लिए वीपीएन यूज करना पड़ता है गाइस, और कुछ नहीं है, आप प्ले स्टोर से ही कर रहे हो तो आपको बैन आएगा ही नहीं ना। और आप वीपीएन देखो मेरा, मैंने वीपीएन में क्लिक करा, ये डिसकनेक्टेड है अभी राइट नाउ, ये डिसकनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट डिसकनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है न्यूयॉर्क मैंने किया था, अभी देखो ये अभी कनेक्टिंग हो रहा है, तो ये कनेक्ट हो रहा है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है यार, तो इसको मैं डिसकनेक्ट ही कर रहा हूँ। तो गाइस ये ही है मेन सिंपल। तो कैसे आपका गूगल प्ले स्टोर में पबजी शो हो जाए गाइस, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, प्रॉपर वे में देखना, सेफ तरीका गाइस वही है। तो गाइस और कोई अदर रिस्क मत लीजिए। चलिए मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री माकल, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, लव यू गाइस।